वेलकम टू माय चैनल। आइए हम लोग देखते हैं आज जो है संस्कृत व्याकरण का जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समास के बारे में। यह जो टॉपिक है आपके हिंदी व्याकरण में भी पूछे जाते हैं और संस्कृत व्याकरण में भी पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को यदि आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि हिंदी और संस्कृत मिलाकर आपका जो है लगभग लगभग 8 से 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि यह जो है आपको जो है संस्कृत व्याकरण में इसमें से जो है इस चैप्टर से आपको स्पेशली 6 नंबर से 7 नंबर गारंटी के साथ आने वाले हैं, और हिंदी में भी जो आपको 3 से 4 प्रश्न गारंटी के साथ आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी व्याकरण के दृष्टि से भी और संस्कृत व्याकरण के लिए तो है ही। ये दोनों भी व्याकरण पढ़ते हैं, दोनों में लगभग दोनों सेम ही हैं, कुछ थोड़ा भी अंतर नहीं है हिंदी में भी, सिर्फ ये विसर्ग आ जाता है संस्कृत में और कुछ नहीं है अंतर। ठीक है, तो आप जो है यहाँ ये पूरा पढ़ते हैं तो आपका हिंदी भी कंप्लीट हो जाता है, हिंदी का समास कंप्लीट हो जाएगा और संस्कृत का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो है हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप 9th क्लास के हो 8th क्लास के हो, लेकिन जो बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो स्पेशली यह महत्वपूर्ण है ही, 10th वाले के लिए और इंटर वाले के लिए, सब के लिए जो चैप्टर है एकदम रामबाण चैप्टर, एकदम ज़बरदस्त चैप्टर हम आपके बीच लाए हैं। तो बस कुछ मिनट दे दीजिएगा, आज ही सब सिखाइए के हम जो है आपको छोड़ेंगे, ये सब आप एकदम सिखा कर ही आपको जो है मानने वाले हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ दो चार मिनट जो है बने रहिए और सब ठीक हो जाएगा। देखिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा समास के परिभाषा समझ लीजिए, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मिलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। समास में क्या होता है, परस्पर संबंध के मतलब दोनों एक दूसरे कनेक्टेड हो और उसमें दो गो शब्द हो या दो गो से अधिक हो, अगर वो पद मिल के एक हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास। समास का जो है असल अर्थ क्या होता है, संक्षेप यानी संक्षिप्त। क्या होता है, संक्षिप्त। यहाँ समझिए, समास के परिणाम स्वरूप जो एगो पद बनता है मिलकर उस पद को समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। अब आगे समझिएगा, समस्त पद जो होता है मिला हुआ उसके पदों को अलग अलग करके लिखने की क्रिया को जो है विग्रह कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में 10th में जो है एक विग्रह से भी प्रश्न पूछेगा, पद दे दिए जाएंगे समासिक पद और उसको विग्रह करके तोड़ कर आपसे पूछेगा। चलिए इन सब चीज़ों को इसमें हम लोग देखने वाले हैं, आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब देखिएगा, कई किताब में समास के कई गो भेद है, कहीं 4 पढ़ते हैं तो कहीं 11-12 पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिएगा, मेनली जो है हम आपको जो एग्ज़ाम के दृष्टि से जो समास है सिर्फ वही समास हम पढ़ाए हैं, बेवजह के समास आपको पढ़ाने की कोशिश हम नहीं करेंगे। जे आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाया गया है। यहाँ देखिएगा, समास के जो है मुख्य रूप से 6 गो भेद आपको पढ़ना है। तो मुख्य रूप से समास जो है 6 गो भेद हो गया। तो पहले का समास हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास बहुत बहुत महत्वपूर्ण। देखिएगा नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, किसी भी शब्द का अर्थ जो है उसके नाम में ही छुपा रहता है। किस में छुपा रहता है, नाम में ही छुपा रहता है। तो देखिए यहाँ नाम अर्थ बता रहा है, अव्ययी भाव यानी जिसका जिसमें जो अवयव हो, क्या हो, अवयव। यानी इसका परिभाषा जान लेंगे कि जिस समास का पहला पद क्या हो, अवयव हो, क्या हो, अवयव हो, और दूसरा पद कोई जो है नाउन हो अर्थात संज्ञा हो, उसे ही अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इसका पहला पद जो है प्रधान होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। यहाँ समझिएगा, आपको जो है टेक्निक यहाँ बता दे रहे हैं कि अव्ययी भाव कैसे पहचानेंगे। तो जिस समास का पहला पद में उप लगा हो, यथा लगा हो, प्रति लगा हो, अधि लगा हो, सु लगा हो, निर लगा हो, अति लगा हो, ऐसे जैसे उपसर्ग सब जुड़े हुए हो, तो उस पद में जो है आपका अव्ययी भाव समास होता है। कौन समास होता है, अव्ययी भाव समास। जिस पद का पहलका जो है पहलका उपसर्ग के रूप में पहलका जो है जो पहले जुड़ा होता है, जो उप लगा हो, प्रति हो, यथा हो, ये तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपसे पूछे जाते हैं ये वाला जुड़ा हुआ।
जैसे उपकृष्णम, उपकृष्णम में यहाँ उप लगा हुआ है कृष्णम में, यानी कृष्ण के समीप हो गया इसका मीनिंग। उपवनम तो उपवनम हो गया, उपगंगम यथाशक्ति प्रत्येकम प्रतिदिनम सुचरित्रम सुचित्रम अधिहरि निर्बाधम निष्फलम अति पुष्पम सुभात सुभारतम आदि। ये जितने भी वर्ड आपको पढ़ाए गए हैं सिर्फ इसी वर्ड में से ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन्हीं वर्डों को आप ध्यान रखेंगे। आपसे जो है कोई भी परिभाषा नहीं पूछा जाएगा संस्कृत व्याकरण में या हिंदी व्याकरण जो बोर्ड के एग्जाम होंगे। आपसे क्या पूछे जाएंगे, तो आपसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि इनमें कौन किस पद में अव्ययी भाव समास है। तो इनमें माना कि एगो ऑप्शन में उपगंग उपवनम या उपगंगम दे देगा, हे समय से कोई कोई दे देगा, तो आपको जो है यहाँ से इस टेक्निक से आप जो है पकड़ लेंगे जो नोट पॉइंट हमने आपके लिए लिख रखा है। तो याद रखेंगे जिस पद का जो है पहला पद उप हो, यथा हो, प्रति हो, अधि हो, सु हो, नीर हो, अति हो, तो वो गारंटी के साथ आपका क्या हो जाएगा, उसमें अव्ययी भाव समास होता है। तो इन्हीं वर्डों को जितना हम बोर्ड पर आपके लिए लिख दिए हैं सिर्फ इसी शब्द को आप जो है ध्यान में रखिएगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गारंटी है। अब देखिए दूसरा नंबर पढ़ लेते हैं तत्पुरुष समास। यहाँ पे है इसका जो है अंतिम पद प्रधान होता है, किसका, तत्पुरुष का। एग्जाम्पल में समझ लेंगे राज पुरुष, विग्रह अगर पूछता है तो विग्रह हो जाएगा राज्ञ पुरुष, राजपुत्र का विग्रह पूछेगा तो राज्ञ पुत्र, देशभक्ति देशाय भक्ति विग्रह हो जाएगा, धनहीन तो धनेनहीन, मास पूर्व हो जाएगा तो मासेन पूर्व हो जाएगा। ये जो है इसका विग्रह है, क्या है ये विग्रह है। तो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि राज पुरुष का विग्रह क्या होगा, तो ऑप्शन में उलिट पुलिट के एने ओने कह के लिखता है, उसी में एगो रहेगा राज्ञ पुरुष, तो ये आपके विग्रह हो जाएंगे। तो ये आपका संस्कृत में संभावना है विग्रह पूछने का, हिंदी में संभावना बहुत कम है। और हिंदी में डायरेक्ट पूछ लेंगे कि किस पद में कौन समास है, या इस पद में कौन सा समास है, या किस प्रकार का मतलब समास है, ऐसा पूछता है अपना। तो ये जो हमने आपको लिख रखा है पाँच से छः वर्ड, तो इसको अच्छे से एकदम रट लीजिएगा कि राजपुरुष राजपुत्र देशभक्ति धनहीन मास पूर्व, इसमें जो है तत्पुरुष समास पाए जाएंगे। कौन समास, तत्पुरुष समास होश में। ये जो पांच को वर्ड बहुत रिपीट करता है। अब हम आपको पढ़ाते हैं अगला कर्मधारय समास, ध्यान से सुन लीजिए एकदम, कुछ मिनट जो है बन जाइएगा तो आपका जो है 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ सब सेट उट बनाते होंगे तो आपको पता चलता ही होगा कितना समास वास मिलता है इसका प्रश्न जो है। यहाँ समझे कर्मधारय समास समझ लेते हैं, तो इसमें कहता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है, आगे पीछे वाला यानी पहले वाला पद भी और अंतिम वाला, दुगो तो पद होता है, दुगो तीन का भी हो सकता है। तो इसका पहला पद और अंतिम लास्ट पद भी दोनों के दोनों का होता है प्रधान होता है। उसके बाद समझेंगे इसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। क्या होता है, जो विशेषण में विशेषता बताता है विशेष्य कहलाता है। यहाँ समझिएगा जैसे एग्जाम्पल है श्रेष्ठ बालिका, महावीर, मुख चंद्र, नीलकमल, पीताम्बरम, महापुरुष, मधुर वचरम, नरसिंह, मतलब सिंह को बोला जाता है शेर को, शेर जैसे बहादुर पुरुष को, और वीर पुरुष। ये जो हो गए, ये जितना भी एग्जाम्पल हम आपके लिखे लिए लिखे हैं इन्हीं एग्जाम्पलों में से आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। तो आप कर्मधारय के लिए इन सभी वर्ड को रट लीजिए और तत्पुरुष को रट लीजिए। कन्फ्यूज करता है विद्यार्थी तत्पुरुष में और कर्मधारय में, हे में तो कन्फ्यूज वाला कोनो बातें नहीं है, यथा उप प्रति अधि से देखिए गारंटी आपका सही हो गया। तो आप तत्पुरुष के ये सेलेक्टेड पांच रट लीजिए और कर्मधारय के ये जो हम पांच सात लिखे हैं इसको रट लीजिए। इन्हीं ऑप्शनों से आपको जो है ये मिल जाएंगे, आपके ऑप्शन में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई कन्फ्यूज करने वाला नहीं है, बस देख लीजिए कैसे। तो याद रखें कर्मधारय समास किसमें हो जाएगा, नीलकमल, पीताम्बरम, महापुरुष, वीर पुरुष, नरसिंह, ये सब में के कर्मधारय समास हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं बहुव्रीही समास, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये बहुव्रीही समास। यहाँ देखिए बोल रहा है कि इसमें समस्त पद जो है किसी खास अर्थ का बोध कराता है, यानी पूरा पद मिलकर एक स्पेशल अर्थ दे जाता है, अपना अलग अर्थ देता है, अलग मीनिंग देता है। जैसे पहला हम एग्जाम्पल लिए हैं दशानन, जिसके दस आनन है, किसके दस सिर है भाई, हेड, आनन बोला जाता है हेड को, तो रावण को बोल, क्या किसको होता है, रावण को, तो इसका मीनिंग हो गया रावण।
लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, पेट लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। तो किनका पेट लंबा है, किनको लंबोदर बोलते हैं, तो गणेश जी को। क्या बोलते हैं? गणेश जी को। अगला है चंद्रशेखर, जिसके शेखर अर्थात सिर पर चंद्रमा हो। तो आप देखते हो किसी भगवान, किस भगवान के शिखर पर चंद्रमा है, तो शंकर जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शंकर जी। तो इस चंद्रशेखर का मीनिंग हुआ शिव। तो ये किसी खास अर्थ को जो है प्रकट करते हैं, बोध करा रहे हैं। चक्रपाणि, जिसके हाथ में पानी मतलब हाथ होता है, जिसके हाथ में चक्र हो और हमेशा नाच रहा है सुदर्शन चक्र, तो वो कौन हो जाएंगे? विष्णु जी। कौन हो जाएंगे? विष्णु भगवान। और ये हो गए नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है। किनका कंठ नीला है? शंकर भगवान का। तो ये हो जाएंगे नीलकंठ। इसका खास अर्थ क्या हो गया? शंकर शिव। और श्वेतांबरा, जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, कौन हो जाएगी? तो सरस्वती। क्या हो जाएगी? सरस्वती देवी, सरस्वती माता मतलब ये हो जाएगा। तो ये खास खास एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं, तो इनको आप विशेष स्तर से अपना ध्यान में रख लीजिए। और इन सब में जो है बहुव्रीहि समास पाया जाता है। एग्जाम्पल पूछेगा कि लंबोदर में कौन समास पाया जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा बहुव्रीहि कर्मधार है तत्पुरुष द्वंद्व। तो आपको यहाँ घोष में रखेगी लंबोदर तो अलग अर्थ देता है, लंबोदर का अर्थ गणेश होता है, तो अतः आपका जो है बहुव्रीहि हो जाएगा। एक कैसे पूछ लेगा, एक तरह पूछ लेगा लंबोदर में कौन समास इस तरह से, और फिर कह देगा कि कौन दिए गए ऑप्शन में क्या करेगा, चार गो समय से फेर देगा, कावना में बहुव्रीहि है। जैसे एगो लंबोदर ले लेगा, एगो महावीर ले लेगा, एगो धनहीन ले लेगा, एगो कुछ उसमें से ले लेगा। तो ऐसे आपसे पैटर्न क्वेश्चन का रहता है। तो उम्मीद करते हैं बहुव्रीहि भी आप समझोगे। बहुत बहुत ध्यान से एकदम पढ़िए, आपका जो है 10 नंबर क्लियर ही हो जाएगा एकदम। अब यहाँ समझ लीजिए, अब यहाँ ही तो कोनो कन्फ्यूजन नहीं है एकदम, लेकिन बहुत पूछता है। द्वंद, द्वंद है द्वंद, अह जह वाला अह जह, उसका नाम बोलते हैं द्वंद हो गया, द्वंद में फंस गया आदमी, जाए कि ना जाए, सोए कि जागे रहे, खाए कि ना खाए, तो ये द्वंद हो गया। तो इसमें समझ लीजिए कि इसमें जो है दोनों पद प्रधान होता है, आगे पीछे वाला दोनों, और इसमें च का मीनिंग छुपा रहता है। च का संस्कृत में जो है ना और मतलब हिंदी अर्थ और होता है, और को जो है संस्कृत में च बोला जाता है। तो इसमें च अर्थात और की मीनिंग छुपी रहती है, छिपा रहता है। देखिए एग्जाम्पल में राम कृष्ण, इसका एगो विग्रह करके हम दिखा दिए हैं ताकि अपना आइडिया आपको आ जाए। जैसे राम च कृष्ण च, राम च कृष्ण च, राम कृष्ण। उसी प्रकार हम कुछ और एग्जाम्पल लिख दिए, सीता राम मतलब राम और सीता, दो गोरा का बोध कराएगा, दो गो उसमें और छुपा होता है। तो आप ऐसे करके पकड़ सकते हैं। सीता रामी तो संस्कृत का वर्ड है, तो संस्कृत में पूछेंगे, हिंदी में पूछना होगा तो डायरेक्ट कहेगा सीता राम, राम कृष्ण, दंपति, माता पिता, दाल रोटी, दूध भात, ये सब दिन रात, ठंडी गर्मी, ये सब दो गो बोध कराएगा, तो उसमें जो है द्वंद्व समास पाया जाएगा। दंपति बोला जाता है पति पत्नी को, दंपति किसको बोलते हैं? पति पत्नी को। तो दो आदमी के बोध करा दिया इसमें भी। माता पितर मतलब माता और पिता, राधा कृष्ण और राधा और कृष्ण, तो इसमें जो है द्वंद्व, जो है द्वंद्व का मतलब दो का बोध कराता है, जिसमें दोनों के बीच में जो है और छुपा हो, तो उसमें जो है द्वंद्व समास पाया जाता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा और नहीं होना चाहिए। अब समझ लीजिए द्विगु समास, ये आ गया द्विगु, ये काफ़ी इजी और है और खूब पूछता भी है। इसका पहला जो पद होगा वो किसी नंबर को बोध कराएगा, नंबर होता है, संख्या होता है। किसमें? द्विगु में सबसे इजी है, इसमें किसी प्रकार के कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो पहला जैसे देखेंगे एग्जाम्पल त्रिलोकी, तो देखिए तो नंबर थ्री का बोध करा रहा है, पंचवटी फाइव का बोध करा रहा है, फर्स्ट में द्विमुखी दो है, यहाँ से सप्त दिनम तो सात का बोध कराया, नंबर है ना, नौ रात्रम द्विगु, तो ये सब जो है आपका, आपको जो है द्विगु समास, द्विगु में द्विगु समास होता है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, जितना भी एग्जाम्पल देखे, त्रिलोकी, पंचवटी, द्विमुखी, सप्त दिनम, नवरात्रम, ये किसने किसी नंबर को बोध कराया, फर्स्ट वाला जिसका पहले का पद का हो, नंबर हो, संख्या हो, उसमें जो है द्विगु समास पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस जो है अपना समझ लिए होंगे। अब ये छह को प्रकार आपको तो पढ़ा दिए, यहाँ द्विमुखी का विग्रह करके लिखे हैं द्वयो मुखियो समाहार, इसमें जो विग्रह होता है तो लास्ट में समाहार आता है, क्या आता है? समाहार। तो ये अपना विग्रह देख लीजिएगा, एगो लिख दिए हैं। अब समझ लीजिए एक्स्ट्रा है नया समास, निगेटिव जो है समास, निगेटिव सेंस में
नकारात्मक बोध वाले समास को जो है नया समास बोला जाता है। इसमें जो है न का अर्थ और अ होता है, अ के मीनिंग है यहाँ पे देता है न। जैसे एग्जांपल है अनुपस्थित में कहेगा कौन समास होगा, तो अनुपस्थित में मतलब हो गया न अनुपस्थित, न मीनिंग मिला तो न मिला है तो न आया, न के बोध कराया ना, नकारात्मक बोध कराया था, इसमें नया समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाल फिलहाल में जो है इससे भी क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, अतः इसको ध्यान रखेंगे। तो अनुपस्थित अद्वितीय माने न द्वितीय, दुनिया में जो दूसरा नहीं होता है, जो दुनिया में एक गो है उसी को अद्वितीय बोला जाता है। उसी प्रकार अधर्म यानी न धर्म, अस्वस्थ माने न स्वस्थ, अदृश्य माने न दृश्य, जो दिखाई नहीं देता है अदृश्य है। अनिश्वर के मतलब न ईश्वर, ईश्वर को नहीं मानने वाले को अनिश्वर बोलते हैं। अहिंसा हिंसा न करना, न हिंसा। अनेक मतलब एक नहीं, एक नहीं तो अनेक है। अनुदार जो उदार नहीं है उसको अनुदार कहेंगे। जो है न के अनुदार का मीनिंग क्या हो गया, न उदार। तो जिसमें न का सेंस हो उसमें नया समास पाया जाता है। तो ये आपको जो है हमने पूरा समास क्लियर किया, एक ही वीडियो में हमने पूरा समास का काम तमाम कर दिया। तो इसको उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा से समझे होंगे। किसी प्रकार की दिक्कत कष्ट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्पेशल सुझाव जरूर दें, ताकि हम आपके लिए कुछ व्यवस्था कर सकें। और जो भी हो आपके लिए जो भी दिक्कत होता है तो बताइए। तो ये समास क्लियर हुआ, इसके पहले वीडियो हमने संधि पूरा पढ़ा रखा है। यदि आप लोग संधि सीखे पढ़े नहीं हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ पर अपना देख सकते हैं। पाँच भालों में उसको हमने पढ़ाया है। और समास जो है आपका 8 से 10 नंबर का, ऐसे तक इसका कोटा 4 नंबर का संस्कृत व्याकरण में है, 4 मार्क्स पूछा जाता है रियल में, लेकिन दुगुना प्रश्न होने के चलते 8 से 7 प्रश्न आपको गारंटी के साथ देखने को मिलेंगे। यदि आप क्लियर रखते हैं तो किसी प्रकार के डाउट, किसी प्रकार के शक, एको नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहेगा। इसलिए आप इसको सीखिए और इसको अपना जो नंबर के जो है आप जो है टल लगा दीजिए एकदम। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग पुनः अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।